हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी लाइफ एंड टेस्टी फूड में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अनीता आज फिर आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल के लड्डू, जो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और इनको बनाना बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई ली है और इस पे मैं घी डालूंगी। यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच घी लिया है, क्योंकि नारियल में ऑलरेडी घी होता है, वो खुद घी छोड़ता है, तेल छोड़ता है, इसीलिए ज़्यादा घी नहीं ऐड किया है। यहाँ पे मैंने नारियल लिया है 1.5 कप के आसपास, 1 कप भर के और 1/2 कप। तो आप मेज़र कर लेना, आप भी इसी क्वांटिटी में रखना। यहाँ पे मैं अब नारियल का बूरा डाल दूंगी। ये ग्रेटेड नारियल है, कहीं पे भी आपको मिल सकता है, नहीं तो आप घर पे भी लाकर नारियल को कद्दूकस कर सकते हैं। नारियल को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है, क्योंकि नारियल बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। इसे कम आँच पे हमें लगातार चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पे मैंने चीनी ली है उसी कप से, बट 1 कप से कम है, पूरा भर के कप नहीं है। आप भी जितना मीठा आप लोग खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग रखना है मीठा। बाकी मैं ये वाला भी पूरा नहीं डालूंगी, इसमें से भी थोड़ा बचा लूंगी, क्योंकि मीठा हम लोग कम ही खाते हैं। तो मैं इसमें अब चीनी मिलाऊंगी। यहाँ पे मैंने चीनी मिलाई है और थोड़ा सा चीनी बचा लिया है, मैंने पूरी चीनी नहीं मिलाई है। बट आप मीठा अगर ठीक ठाक खाते हैं तो थोड़ा चीनी ठीक से मिलाइएगा, क्योंकि मैं इसमें मिल्क पाउडर भी मिलाऊंगी, उसमें भी थोड़ा मीठा होता है इसीलिए। यहाँ पे मैंने दूध लिया है उसी कप से, 1 कप भर के। उसको पूरा एक साथ नहीं मिलाएंगे, धीरे धीरे करके मिलाएंगे। एक साथ मिलाने से गीला हो जाएगा, तो इसीलिए धीरे धीरे करके मिलाएंगे और चलाते रहेंगे। ये देखिए, मैं बीच बीच में दूध मिला रही हूँ, चला रही हूँ, बट यहाँ पे मेरा 1 कप दूध लग गया था पूरा। अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगी इसमें मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, उसको मिलाने से थोड़ा अच्छा टेक्सचर आता है, खोया जैसा। तो आप इसको हो सके तो ज़रूर मिलाइएगा। यहाँ पे मैंने 3 बड़े स्पून मिल्क पाउडर मिलाया है। अच्छे से मिलाएंगे, जिससे गुठलियाँ ना पड़े। लगातार चलाते हुए इस पेस्ट को अच्छे से मिला लेंगे। इसकी जो नमी है हमें वो ख़त्म करनी है, तो चलाएंगे जब तक ये कढ़ाई से अलग ना हो जाए। ये देखिए, धीरे धीरे हमारा अच्छे से, देखिए कितना अच्छा हो गया है, कढ़ाई से एकदम अलग हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस यहाँ पे अब हम गैस ऑफ करके इसके लड्डू बनाएंगे। पहले इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं इसको ठंडा करने के लिए। पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना होने पे इसके लड्डू बनाएंगे। इसके लड्डू बहुत इजी तुरंत बन जाते हैं। आप हाथ में उठाएंगे हल्का सा, 1-2 बार प्रेस करने से इसके लड्डू तुरंत बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो उसके वो फिर नारियल से कोट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद ऊपर से अलग से नारियल, तो आप इसको स्किप कर देना, आप सिर्फ लड्डू बना लीजिएगा। बहुत जल्दी, बहुत इजी, चिपकते भी नहीं है हाथ से, तुरंत इसके लड्डू बन जाते हैं। इसी तरह से सारे लड्डू हम लोग रेडी कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने गार्निश करने के लिए 1-1 किशमिश सब में लगा दिया है। ये देखिए, सारे लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं। इसको आप आराम से खाइए, कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। और नारियल का फ्लेवर, नारियल हमारे लिए हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।